आज मैं आपको बताने वाला वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेल एमसीक्यू जो किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में टर्म वन और टर्म टू में एग्जाम लिया गया था जिसमें टर्म वन में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका आंसर 1 से 10 तक में अगर सही आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे प्रिपरेशन में कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच सॉफ्टवेयर लेट्स यू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेट द न्यूमरिक डाटा, वैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो न्यूमरिक डाटा को कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट है MS Excel, सेकेंड MS Word, थर्ड MS PowerPoint, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा MS Excel। MS Excel का जो यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और भी बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो एक्सेल के थ्रू ही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द एलिमेंट विच आइडेंटिफाई बाई यूनिक रो नंबर एंड कॉलम नंबर, वैसा कौन सा एलिमेंट है जो रो नंबर को कंटेन करता है, कॉलम नंबर को कंटेन करता भी है और जो यूनिक आइडेंटिफाई करता है, अब वो कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है सेल, सेकंड है कॉलम, थर्ड है रो और फोर है नन ऑफ दीज। फोर क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो रो और कॉलम जो कंटेन करता है, आप ऑब्जर्व करेंगे अगर कोई टेबल बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का टेबल होता है, यहाँ पे ABCD 1 2। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सेल जो होता है, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये क्या करता है, ऊपर कॉलम को कंटेन कर रहा है और इस साइड में रो को भी कंटेन कर रहा है। तो मतलब जो आंसर होगा इसका राइट आंसर जो होगा सेल होगा। सेल ही जो है रो को भी कंटेन करता है और कॉलम को भी कंटेन करता है और यूनिक आइडेंटिफाई भी करता है। यूनिक क्या है, हर एक का एक यूनिक एड्रेस है, इसका D3 या अगर यहाँ पर 3 है तो इसका एड्रेस D3 है, ये एक यूनिक है, बाकी और किसी का भी सेल एड्रेस सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट सेल का डिफरेंट डिफरेंट सेल एड्रेस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेल होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिगुअस सेल विच फ्रॉम द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, उसको क्या बुलाते हैं जब बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है, बहुत सारे सेल के ग्रुप होते हैं और वो जब सेल के ग्रुप को मर्ज किया जाता है तो वो बनता है एक रेक्टेंगल का शेप ले लेता है, एक रेक्टेंगल का शेप लेता है, उसे क्या कहते हैं, आप उसे क्या बुलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल, सेकंड ऑप्शन है स्प्रिट शीट, थर्ड है रेंज, फोर्थ है शीट टैब। आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर सेल को, बहुत सारे सेल को जब कनेक्ट करते हैं आप तो रेंज से सिलेक्ट करते हैं, रेंज जैसे सम करना है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं A1.D1। तो ये क्या करता है, यहाँ पर हाईलाइट कर देता है इस तरह का, आप देखेंगे कि इस तरह का हाईलाइट कर देता है। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल शेप ले लेता है, बहुत सारे सेल को क्या करता है कॉन्टिगुअस कर देता है, मिला देता है। इसका मतलब होता है कॉन्टिगुअस का मतलब मिलाना होता है, बहुत सारे सेल को मिला देता है, तो वो कौन मिलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है बहुत सारे सेल को मिलाने का काम करता है और जो शेप होता है वो कौन सा शेप ले लेता है, रेक्टेंगल का फॉर्मेट लेता है, उसे आप कह सकते हैं रेंज आंसर होगा। फोर नंबर है, विच सिंबल सेपरेट द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फ्रॉम द एंडिंग सेल एड्रेस इन ए रेंज, वैसा कौन सा सिंबल है जो क्या करता है सेल एड्रेस को, स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस को एक रेंज में रखता है, एक रेंज में रखता है, मतलब रेंज एक रेंज में सेल एड्रेस को और एंडिंग सेल एड्रेस को सेपरेट रखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेमी कॉलोन, सेकेंड ऑप्शन कॉलोन, थर्ड है फुल स्टॉप और डी क्या है नन ऑफ दीज। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेल एड्रेस जो होता है एंड स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस को कौन, जैसे आप लिखते हैं A1.D1 तो आपको ये स्टार्टिंग सेल एड्रेस है और ये एंडिंग सेल एड्रेस है, तो आप किस सेल किस सिंबल से आप सेपरेट कर रहे हैं, तो आपको कोलन साइन है, ये कौन सा साइन है कोलन साइन, इससे आप सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट,
फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स लाइज एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो इन एक्सेल। वैसा निम्नलिखित में वैसा कौन सा कंपोनेंट है जो एक्सेल के विंडो डॉक्यूमेंट के टॉप में होता है, एक्सेल के विंडो डॉक्यूमेंट में टॉप पर होता है। टॉप का मतलब है ये, मान लीजिए ये विंडो है एक्सेल का और यहाँ पे ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये टॉप है, ठीक है, यहाँ पर टॉप है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट है टास्क बार, सेकेंड है स्टेटस बार, और सी है फार्मूला बार, और डी क्या है टाइटल बार। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो होता है टॉप में टाइटल बार होता है, याद रखेंगे टाइटल बार होता है इसका, इसलिए इसका राइट आंसर टाइटल होगा। किसी भी एप्लीकेशन में ये जो फर्स्ट जो होता है यहाँ पे ये टाइटल बार ही होता है। सिक्स, व्हाट नेम डू वी गिव टू करेंट सेल विच हैज अ सेल बाउंड्री अराउंड इट। उसे करेंट सेल पे जब आप काम करते हैं उसके बाउंड्री होते हैं, ठीक है, जब आप करंट सेल पर वर्क करते हैं, इस तरह का करंट सेल है, मान लीजिए यहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि इस साइड में बाउंड्री आ जाता है, ये क्या होता है बाउंड्री आ जाता है। तो इस सेल को आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस सेल को आप करंट सेल पर, जब जिस सेल पर आप वर्क कर रहे हैं ये करंट सेल है, इस सेल का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं आप, पैसिव सेल, सेकेंड एक्टिव सेल, सी है करंट सेल या न्यू सेल। इसका राइट आंसर होगा एक्टिव सेल, जिस सेल पे आप वर्क करते हैं वो करंट एक्टिव सेल कहलाता है, याद रखेंगे जिस सेल पे आप एंट्री करते रहते हैं डाटा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ फाइव लिख रहे हैं, तो इस सेल को एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। इस सेल के बाद अगर नेक्स्ट सेल अगर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, सेवन यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेल अभी जो है एक्टिव सेल है, जिस सेल पे आप वर्क कर रहे थे करेंटली वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है। विच इज द लास्ट वैलिड कॉलम हेडर इन MS Excel। MS Excel में लास्ट जो है कॉलम क्या कौन सा होता है, लास्ट कॉलम कौन सा होता है, आप कॉलम के बारे में भी जान जाए, कॉलम कौन सा होता है, ये टेबल है, ये ए बी सी डी इस तरह से कंटिन्यूसली इस तरफ चला जाता है, ये वन टू थ्री ये रो इंडिकेट करता है, वन टू थ्री क्या इंडिकेट कर रहा है रो, और ये कॉलम है, ए जो है ये दिख रहा है, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम सी कॉलम है, ये डी कॉलम है, और ये ई कॉलम है, इसी तरह से ये कंटिन्यूसली चला जाता है। लास्ट में कौन सा कॉलम होता है, ऑप्शन है फर्स्ट XFD, सेकंड AJ, थर्ड AZ और DAJM। इसके लास्ट में क्या होगा, वो कॉलम जो होगा वैलिड कॉलम जो होगा लास्ट वैलिड कॉलम, उसका आंसर होगा A XFD, क्योंकि AZ तक फिनिश हो जाने के बाद फिर यहाँ AA से स्टार्ट होगा, फिर AB और उसके बाद AC, इस तरह से वो शुरू होगा। What is डिफॉल्ट नेम ऑफ ए वर्क बुक इन MS Excel? MS Excel में वर्क बुक का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डिफॉल्ट नेम क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है बुक वन, सेकेंड शीट वन, और थर्ड है अनटाइटल वन, डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा बुक वन, क्योंकि जब आप एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बुक वन लिखा होगा, बुक वन लिखा होगा, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आप फाइल नेम सेव नहीं किए, जब आप फाइल नेम सेव कर देंगे तो यहाँ पे बुक वन ये हट जाएगा, और यहाँ पे अगर आप अपने नाम से लिखे तो आपका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव ए वर्क बुक इन MS Excel में वर्क बुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+X, सी है बी है Ctrl+Z, और सी ऑप्शन है Ctrl+C, और डी ऑप्शन में है Ctrl+S। इसका राइट आंसर होगा डी का यूज, कंट्रोल डी ऑप्शन में Ctrl+S है जो सेव करने के लिए यूज किया जाता है, एक वर्कबुक को सेव करने के लिए यूज किया जाता है एक्सेल में। विच पेयर ऑफ ब्रैकेट आर यूज टू डिनोट ए नेगेटिव वैल्यू इन MS Excel में
कौन सा ऐसा ब्रैकेट है जो नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट है पैरेंथेसिस का साइन इस तरह से होता है, कर्ली ब्रेसिस का साइन इस तरह से होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है पैरेंथेसिस, सेकंड है कर्ली ब्रैकेट, थर्ड है स्क्वायर ब्रैकेट, और डी है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा पैरेंथेसिस। इसका पैरेंथेसिस इज राइट आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको एक आंसर आप ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि फाउंडर ऑफ गूगल कौन होते हैं, हु इज़ फाउंडर ऑफ गूगल, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करके बताएंगे कि एक फाउंडर ऑफ गूगल कौन है, अभी जो करंट में है फाउंडर ऑफ गूगल कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए। अगर आपको कन्फ्यूज़न किसी तरह का भी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।